नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। यूपी में रामपुर की अपनी एक अलग ही पहचान है। रामपुर में चुनाव की बात हो और आजम खान का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यूपी चुनाव 2022 में आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। बावजूद इसके इस चुनाव में एसपी ने आजम पर दाव लगाया है। आजम जेल से ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में बंद होने के चलते आजम भले ही चुनाव प्रचार से दूर हैं, लेकिन चुनाव की कमान पूरी तरह से उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन ने संभाल रखी है। एक तरफ जहां महिलाओं के बीच तंजीन बैठक कर चुनाव अभियान को जोर दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम के बेटे ने डोर टू डोर कैंपेन का जिम्मा संभाल लिया है। अब्दुल्ला आजम सुबह 10 बजे रामपुर स्थित घर पर कार्यकर्ता और लोगों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद वो रामपुर से लगभग 29 किलोमीटर दूर स्वार सीट पर खुद के चुनावी प्रचार पर निकल जाते हैं। रात में वापस आने पर फिर पिता की सीट पर चुनाव प्रचार करते हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनके साथ जेल में बंद पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। अब्दुल्ला आजम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके गुरूर का है, अगर ये टूटा यहाँ फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। जिसने तुम्हें दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर बना दिया, हिसाब लेना उनसे जिन्होंने तुम्हारे बच्चों की तालीम छीनी, और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल यहां के लोगों के लिए काम करने में गुजार दिया, वो इंसान आज एक 8x8 की कोठरी में बंद है। बंद है वो शख्स। हिसाब लेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, हिसाब लेना उस इंसान की आंख से गिरे हर आंसू का, हिसाब लेना उसके साथ हुए हर जुल्म का, हिसाब लेना अपने बच्चों के साथ हुए हर जुल्म का, हिसाब लेना। और याद रखो, मैंने उस दिन कहा था कि मैं और आप कभी बादशाह नहीं हो सकते, लेकिन आपके वोट के बगैर भी कोई बादशाह नहीं हो सकता। मौका है आपके पास, 14 तारीख को मौका है आपके पास, उस मौके का इस्तेमाल करना। और देखो, मैं आज आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अखिलेश जी का आज बहुत लंबा कार्यक्रम है। पिछले चुनाव में जब आजम साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर स्वार से मेरा एक बेटा लड़ रहा है तो शाहबाद से मेरा दूसरा बेटा लड़ रहा है। उनके इन जज्बात का, उनके इन एहसासों का, उनकी इस मोहब्बत की लाज रखिएगा, और 14 तारीख को विजय सिंह साहब को यहां से जिताकर भेजिएगा। और मैं अपनी बात अपने उस शेर के साथ खत्म करूंगा। वो शेर मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कहा था और वो लोगों को बहुत पसंद आया। आज मौका है, अध्यक्ष जी यहां मौजूद हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। रामपुर में चुनावी मंच से अखिलेश यादव ने कहा, वैसे तो विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 10 मार्च को आना है, लेकिन पहले चरण के परिणाम ने ही दिखा दिए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस तरह से पहले चरण में वोट डाले हैं, अब किसी को भी 10 मार्च का इंतजार नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर चुनाव में हार गए तो इनका पता नहीं लगेगा, इसलिए इन्होंने जानबूझकर पंजाब यूपी के चुनाव से पहले ही तीनों काले कानून वापस ले लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।